सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, देखिए, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे ना अपनी जो भी आपने आईटी कर रखी है, कौन से ट्रेड में कर रखी है वो मेंशन कर देना। वीवीटेक कर रखा है, कौन से ब्रांच के अंदर किया है वो भी वहां के जाकर के मेंशन कर देना, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड का काम है, तो सबसे पहले आप वो काम कर दीजिए, तो मैं आगे कहां पे प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा ऑनलाइन कैसे करना है, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, आज की जो वैकेंसी आ रही है यहाँ पे L&T की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों ये वैकेंसी जब भी निकलती है ना, तो बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी में दोस्तों काफी लोगों का इंतजार रहता है काफी समय से। तो ये वैकेंसी देख सकते हो, काफी अच्छे पैमाने पर भर्ती निकलकर आ चुकी है दोस्तों। आपको ऐसा मौका शायद ही दोबारा मिले, तो इस मौके को दोस्तों बिल्कुल भी ना गवाएं। और कैसे आपको फॉर्म को भरना है पूरा मैं प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही साथ जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन नहीं किया, भाई जाकर के कर सकते हो, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे अभी तक ट्विटर अकाउंट को जाकर के फॉलो नहीं किया है, जाकर के ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लेना, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वेरीफाइड है ट्विटर अकाउंट मेरा, और जाकर के देख सकते हो, एक बार चेक कर लेना दोस्तों। और जैसा कि आप देख ही सकते हो, आज की जो वैकेंसी है दोस्तों L&T की तरफ से वैकेंसी निकली है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख ही सकते हो, ठीक है। ये वैकेंसी के सामने टोटल पोस्ट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, कौन कौन से पोस्टों में कितनी वैकेंसी निकली है, सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे आईडी कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। एंड कैसे आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई का प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आपने 500 लाइक करवा दिए ना दोस्तों, अगर आपने अपने फ्रेंड के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ में 500 लाइक करवा दिए, तो मैं आपको समझ जाऊंगा कि हाँ, आप मेरे चैनल को देखते हो और वीडियो को पसंद करते हो। तो गाइस जल्दी से करवा देना। तो चलिए दोस्तों पूरा प्रोसेस इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है L&T की तरफ से, काफी बड़े पैमाने पर वैकेंसी देखने को मिल रही है काफी दिनों बाद, जैसा कि यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है, L&T रिक्रूटमेंट 2023। गाइस यहाँ पे देख सकते हो, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर कैंडिडेट है अगर आप तो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने IT कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, BE BTech कर रखा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। आपको यहाँ पे वैकेंसी, आपको फॉर्म को जो है ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना होगा, और कैसे भरना होगा आप जान लीजिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा L&T रिक्रूटमेंट 2023, ठीक है, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी में यहाँ पे भर्ती निकली है 2023 के लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है मार्च के अंदर, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। इसका ऑफिशियल कैरियर के पेज पे जाकर के देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्टों को आपको देखने को आपको मिल जाएंगी, जो कि यहाँ पे 102 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आप लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी की तरफ से जो वैकेंसी निकली हैं 2023 के अंदर, इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर आपने यहाँ पे IT कर रखा है, 10th कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, BE BTech कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हो 14/4/2023 तक, ठीक है। कैसे आपको अप्लाई करना है, चलिए पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे L&T के प्रोसेस के बारे में आप देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो, जो L&T की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी आपको, बड़े पैमाने पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 102 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ITI, 10th, डिप्लोमा, BE BTech वगैरह जो आपने कर रखा है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ और प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है, लार्सन एंड ट्यूब्रो जॉब रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन 102 पोस्टों के लिए, ठीक है। तो कैसे आपको अप्लाई करना होगा, बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आप पूरी वेस डिटेल्स के माध्यम से पूरी जानकारी पहले समझ लीजिए। तो L&T यानी लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं। अप्लाई मोड जो होगा वो यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, देखिए तक यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। साथ ही साथ पोस्ट नेम की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे पोस्ट नेम की अगर बात करें तो यहाँ पे पोस्ट नेम देख ही पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो सुपरवाइजर फॉर प्रोडक्शन की पोस्ट है, ठीक है, एक्सिक्यूटिव CIS की पोस्ट है, इंजीनियर की पोस्ट है, ट्रेनिंग F&A की पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो एक्सिक्यूटिव CA फर्स्ट की पोस्ट है और सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है। तो ये आपको जो है पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इन पोस्टों में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
साथ ही साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का, जो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जाकर के कर सकते हो। एंड गाइस बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के लिए, ठीक है, 2023 में जो काफ़ी अच्छा मौका निकल कर आ चुका है आपके लिए। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा बेसिकली यहाँ पे आपका इंटरव्यू के बेस पे आपको देखने को मिलेगा, आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देना होगा, एचआर इंटरव्यू देना होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग होने के बाद आपका सिलेक्शन बेस्ड हो जाएगा और वहाँ पे आपको परमानेंट नौकरी के लिए बेस पे रखा जाएगा। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी क्या रहेगी सैलरी, तो देख सकते हो यहाँ पे आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग में मिलने वाली है यहाँ पे आपको 25,000 से लेकर के 85,000 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर कैंडिडेट, ठीक है, जिसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे काफ़ी तगड़ी आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसी प्रकार की आपको सैलरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसा कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे अगर आपने 10th ITI डिप्लोमा BE BTech कर रखा है आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 18 से लेकर के 36 वर्ष के बीच में आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। एज लिमिटेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे एज लिमिटेशन जो देख ही पा रहे होंगे आपको SC ST के लिए 5 ईयर देखने को मिल जाती है, OBC के लिए 3 ईयर देखने को मिल जाती है, PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर देखने को आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे फॉर जनरल OBC कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हो 0 शुल्क है, SC ST कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 0 शुल्क रखा गया है, कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में दोस्तों आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल होने चाहिए। आप जब भी लेकर के जाओगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जैसा कि यहाँ पे शैक्षिक योग्यता हो गई, मार्कशीट हो गई, आपके प्रमाण पत्र हो गए, ठीक है, पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ में आपको चाहे आधार कार्ड लेकर जाना है, पैन कार्ड ले जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो या फिर पासपोर्ट ले जा सकते हो। अपना आपका यहाँ पे अपने तस्वीर यानी अपना एक फोटो होना चाहिए और उस पर जो आपके जो सभी जितने भी दस्तावेज होंगे उनके आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है, तभी आप जो वेरीफाई हो पाएंगे वो वेरीफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करें, तो दोस्तों कई लोगों का सवाल होता है कि अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही समझ लीजिए दोस्तों कैसे आपको अप्लाई करना होगा। गाइस देखिए अप्लाई करने के लिए हमने क्या करा है, हमने गूगल को ओपन कर लिया है, ठीक है, गूगल को ओपन कर लिया हमने, गूगल को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो है सर्च बार का ऑप्शन, जैसा कि आप देख ही सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन दिखना है आपको, सर्च बार में यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ऑनलाइन जॉब तक, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ऑनलाइन जॉब तक। अब ऑनलाइन जॉब तक मैंने टाइप किया और टाइप करने के बाद मैंने जैसे सर्च किया, सर्च करने के बाद आप देखोगे कि आपको फर्स्ट स्टेप पर आपको ये पोर्टल देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन जॉब तक का, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या होगा, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अब जब भी यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का यहाँ पे डेमो खोल के ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप पर आपको देखने को मिल जाएगा L&T रिक्रूटमेंट 2023, ठीक है। अगर आपको बाई चांस यहाँ पे देखने को ना मिले ना तो यहाँ देखिएगा सर्च दिस ब्लॉग का ऑप्शन, ठीक है। अगर आप काफी दिनों बाद वीडियो देख रहे हो तो सर्च दिस ब्लॉग का ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे टाइप कर देना आप L&T रिक्रूटमेंट 2023, ठीक है। और ये देख सकते हो 21 मार्च के लिए आप देख लेना यहाँ पे, और उसके बाद देखने के लिए आपको यहाँ पे आना है और इसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो कि मैंने आपको बताई थी बेसिक डिटेल्स, वो बेसिक डिटेल्स सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं आपके सामने। अब आपको थोड़ा नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके सामने ही यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना होगा इस तरह से। आप जैसे यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने एक इस तरह का यहाँ पे डेमो खोल के पेज ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा फिल्टर का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ये फिल्टर का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल सकते हो मिनिमम एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे टाइप करने के बाद जैसे यहाँ पे सर्च करोगे जितनी भी पोस्ट होंगी मिनिमम एक्सपीरियंसेस वाली वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे कई सारी जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। अब आपके लिए करना क्या होगा, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, अब मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आपको सबसे पहले तो आपको फाइंड करना होगा कि कौन सी पोस्ट में कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आपको फिल्टर का भी ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिल्टर का भी आप जो मैंने आपको वैकेंसी बताई थी वहाँ पे, वो वैकेंसी को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। तो मैं आपको सिर्फ एक डेमो करके दिखा देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना होगा। मान लीजिए आपको ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप कोई भी वैकेंसी देख लीजिए जिसमें कम एक्सपीरियंसेस मांगा गया हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, फिर मैं आपको यहाँ पे डेमो के लिए दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख ही पा रहे, ये जो आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, देख सकते हो यहाँ पे सीनियर इंजीनियर की है। इसमें अगर आपका यहाँ पे एक वर्ष से लेकर के अगर 3 वर्ष के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसी 17 मार्च को यहाँ पे अपडेट करी गई है। आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, देन क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा का सारा पढ़ लेना है। इसके लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीटेक कर रखी हो या फिर बीई कर रखी हो, ठीक है, एनी ट्रेड के अंदर। और उसके बाद आपको यहाँ पे सारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे अप्लाई का बटन, सिंपली आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ओके कर देना है। एंड ओके करोगे आपके सामने इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो। अगर नहीं कर रखा तो आपको यहाँ पे करना क्या है, न्यू रजिस्टर पे आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड देने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। अब साइन इन पे क्लिक कर दिया आपने, अब उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने ईमेल आईडी वहाँ पे यूज़ करी है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। अब साइन इन पे जब क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने ना एक फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा, जिसमें आपके बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फिलअप कर देनी होगी, ठीक है। इस तरह से ही आपको और भी कई सारी वैकेंसीज दिख जाएंगी, जो कि यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप करके आप फिलअप कर सकते हो। तो आपको कोई भी वैकेंसी को भरना है तो आप उसे ऐसे ही आपको देख लेना होगा, पहले उस पर क्लिक करना है, फिर उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेना है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो इसमें जो ये जो पोस्ट निकली है, देख सकते हो यहाँ पे सुपरवाइजर की P&M की, ठीक है। इसमें दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है अप्लाई कर सकते हो, आईडी कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करने के लिए सिंपल सी क्या करना है, आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है और वहाँ पे रजिस्टर कर देना है। ऐसे ही आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, जो कि यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की है, ठीक है, PM एंड डिपार्टमेंट में आती है ये वैकेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने बी कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, अप्लाई कर सकते हो। ये पोस्ट आउट की गई है 20 मार्च के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे देख लेना है कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या योग्यता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो, ये जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपको पोस्ट देखने को मिल रही है, ये भी आपको देख सकते हो 20 मार्च के लिए अपलोड की गई है। इसमें आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बीटेक कर रखी हो आपने या फिर बी कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये अब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, फुल टाइम वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे ही आपको अप्लाई कर देना दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह हो, मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या आपको और भी लिंक देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे जाकर के वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी वहाँ पे ब्रांच और वहाँ पे जो अपनी जो भी ट्रेड कर अपने आईटी कर रखी है वो ट्रेड को वहाँ पे मेंशन कर देना, और टेलीग्राम को जाकर के दोस्तों जरूर से जरूर वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैं अपडेट आपको करा देता हूँ। जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक जरूर करके रखना दोस्तों।